आपके चैनल पर व्यू नहीं आ रहा है, ये आपकी खुद की गलती के कारण व्यू नहीं आ रहा है। आप सोचोगे कि दादी ऐसे मेरी क्या गलती होती है, हर नए यूट्यूबर को पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलती कर चुके हैं और जिससे कि हमारे व्यू नहीं आ रहा है। हर यूट्यूबर ये गलती करता है कि अनजाने में आपसे गलती हो जाती है और यूट्यूब आपके चैनल को आगे नहीं भेज, आपके वीडियो को आगे नहीं भेजता, तो आपके वीडियो पर 10-5 व्यू आकर रुक जाते हैं। हर जिनके 10-20 व्यू आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बस स्किप करके ना देखिए, आप वीडियो को फुल देखिए। आपको ये गलती नहीं करना है तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। आपको क्या क्या करते हैं अपन लोग, कहीं आप लोग जाते हो कहीं और आप लोगों ने क्या करते हो, अपन ने वीडियो डाला और अपन उस वीडियो के को देखने लगते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन से उस वीडियो को देखने लगते हैं कि हमारे कितने व्यू आए और किस हिसाब से वीडियो चल रहा है। और आप ऐसा देखते हो तो यूट्यूब समझ जाता है कि आप खुद के वीडियो खुद की आईडी से देख रहे हो। आप तो बस व्यू देखते हो, मगर उनको यूट्यूब को लगता है कि नहीं, ये आपने वीडियो चलाने के लिए वीडियो देख रहा है। कभी कभी वीडियो चल भी जाता है, ऐसी गलती नहीं करना। आपको यूट्यूब से नहीं देखना तुरंत जाने के बाद। और फिर आप क्या करते हो, दूसरी गलती क्या करते हैं, जैसे अपने घर के लोगों का व्यू आईडी है उनसे भी अपन वीडियो देखते हैं और लोग बात कहते भी हैं कि इतने देखना चाहिए। देखो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं देखो, मगर कुछ उसकी लिमिट होती है कि आपको कितनी बार देखना है। 2 या 3 बार देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने ज़्यादा देखा तो आपकी गिनती भी नहीं होगी कि आपने अगर 4 बार देखा तो आपके काउंट 3 ही होंगे। तो इससे आपको अच्छा है कि आप देखिए नहीं, अगर देखना है तो 2 बार देख लीजिए। और आपको देखने की क्या ज़रूरत है, अपने आप ही चलेगा वीडियो। और आप लोग क्या करते हो, अपने रिश्तेदार अपने फ्रेंड जो भी होते हैं उनसे कहते हो कि मैंने नया चैनल बनाया, क्योंकि यूट्यूब पे अपन नए आए, खुश होकर बताते हैं कि मैंने चैनल बनाया है तो आप में मेरे वीडियो को देखिए। वो कह देते हैं हाँ देखेंगे, तो वो क्या आपके सामने आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं और देखते हैं। 1-2 मिनट देखा, 5 मिनट तक देखा, तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं हम घर जा कर देखेंगे। घर जा कर वो देखते नहीं हैं, और रुचि भी होती है तो क्या भूल जाते हैं, काम में तो नहीं देखते। और अगर आप रुचि भी नहीं है और उनको नहीं देखना तो नहीं देख, क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लिक करेंगे और बस छोड़ देंगे, तो वो इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। तो यूट्यूब समझेगा इनके वीडियो में दम नहीं है, कुछ ना कुछ गलती करते हैं, इसलिए वो डाउन हो रहा है। और ये गलती नहीं, और आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में भी अपन खुश होकर कहते हैं बच्चों से कि मैंने ये वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो को देखिए। अपन खुश हो जाते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, 500 जितने भी आपके क्लास फेल होते हैं, 10-12 तो होते ही हैं कम से कम, उन वो आप खुश हो जाते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब जो देखेंगे। मगर उनको रुचि नहीं है तो क्यों देखेंगे, अपने आप जो देखता है ना उसमें रुचि होती है और आपके वीडियो को इंतज़ार भी करेगा, तो आपका इसलिए सब्सक्राइबर अपने आप बढ़े। वो सब्सक्राइबर सही होती हैं जो आपने बढ़ाए गए हैं, वो कोई नहीं होते, क्योंकि जो आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी, जो सब्सक्राइबर है उनके पास आपके वीडियो को भेजेगा, दूसरों के पास नहीं भेजेगा। जब इम्प्रेशन क्लिक करके हट जाएंगे तो आपका इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। और अपन लोग बस में भी कभी जाते हैं तो अपन को कोई पहचान का मिल जाता है तो अपन कह देते हैं देखिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो वो कहते हैं आप दिखाइए, बड़े खुश होकर बात पूछते हैं कि दिखाइए, तो अपन दिखा देते हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर देखते ही नहीं है। 1 बार देखा 2 बार देखा फिर आप वो कहते हैं इनका तो रोज कई काम है वीडियो डालना, तो वो देखते नहीं है अनजानकारी। इसलिए आपको ऐसे लोगों से नहीं करना, आप अपने आप बढ़ेंगे तो आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो आपके व्यू भी आएंगे, व्यू आएंगे तो आपका बात काम भी बढ़ेगा। बस ऐसा करोगे तो आपके वीडियो जरूर चलेंगे। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, व्यू एवरेज CTR। व्यू तो अपने आप बढ़ेगा, जब CTR बढ़ेंगे तो व्यू अपने आप आएंगे। एवरेज आपको अच्छा रखना है, कैसे, आपको अच्छे से वीडियो बनाना है, जिससे कि अच्छे बनाओगे थंबनेल वगैरह अच्छे बनाओगे तो क्लिक करोगे तो आपको वो हरे हरे चलते हैं ना तीर जैसे निशान, वो तीनों ऊपर हैं तो आपके वीडियो चलेंगे। समझ लीजिए जैसे 100% आपका वीडियो चलने लायक है। और आपको ये बहुत जरूर, आपको थंबनेल टाइटल ये सब अच्छा रखना है तो चलेंगे। जब थंबनेल टाइटल अच्छा होगा तो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपके व्यू भी आएंगे, इस तरह से आपके
व्यू को चल पड़ेंगे और बहुत आसानी से चलेंगे। इतनी बातों का ध्यान रखना है। और आपके नए यूट्यूबर हों तो आप, मैं इन लोगों का प्रमोशन कर रही हूँ, तो इन लोग ये लोग बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो को आप देखिए और आपको उन लोगों को भी आपके प्रेम एवं सहयोग साथ साथ का ज़रूरत है, तो आप इनको प्रेम और सहयोग दीजिए जैसे मेरे को दिया है, ऐसे इन लोगों को भी दीजिए। अगला बयान मैं आपको कर सकती हूँ कि अगर मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपका आप भी अगले बयान हो सकते हो। और आपको क्या करना है कि आपको वीडियो फुल देखना है, इतनी सी गलती नहीं करना कि आपको बाइस टी स्टूडियो खुद दिया है, आप बाइस टी स्टूडियो में देख सकते हो कि मेरे कितनी व्यू आ रहा है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, कितने मेरे घंटे भरे, कितने बार टाइम भरा और कैसे चलना है व्यू। बट आपको बाइस टी स्टूडियो इसीलिए दिया गया कि आप बाइस टी स्टूडियो में देख सकते हो, मगर इसमें यूट्यूब में नहीं देखिए। यूट्यूब में देखोगे एक ही आई डी से भी नहीं देखना, अगर आपने एक ही आई डी से देखा तो यूट्यूब समझ जाएगा कि एक ही आई डी से, और उसको क्या होगा आपके चैनल को फ्रीज कर देगा। फिर आप सोचोगे मेरा चैनल फ्रीज कैसे हो गया, इस कारण से फिर आपको अनजाने में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका चैनल फ्रीज हो गया। आपने देखा होगा किसी के अच्छे खासे व्यू चल रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, मगर उनके व्यू एकदम डाउन हो जाते हैं और अपन को समझ में नहीं आती क्यों ज्यादा। आपने जो गलतियां कर दी इस कारण आपके व्यू डाउन हो गए। आप जो गलती नहीं करोगे तो आपके व्यू डाउन नहीं होंगे। देखो मैं टेक्निकल दादी, आप लोगों को समझाना मेरा काम है, उस पर अमल लाना आपका काम है। मैं तो ज्ञान दे सकती हूँ मगर उस पर चलना आपका काम है। आपने ये गलती नहीं करी तो आपका चैनल चलेगा, 2025 में आपका चैनल ग्रो होगा और आपका अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। अगर 2025 में आपको पैसा कमाना है तो बस इतनी बात का ध्यान रखिए कि आपको ये गलतियां नहीं करना, आपको इम्प्रेशन बढ़ाना है और व्यू बढ़ाना है, तो इन तीन तरीके से इम्प्रेशन बढ़ेगा और व्यू भी बढ़ेंगे और आपका चैनल दौड़ने लगेगा। बस इसका ध्यान रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो।